यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों लखनऊ में पार्टी के आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम की एक कार्यशाला के दौरान सभी को निर्देश दिए थे कि सरकार और पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत खबरों को डालने वाले राजनीतिक लोगों को तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए। सीएम के इन निर्देश के बाद पश्चिम यूपी की सहारनपुर की आईटी सेल और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सरकार और पार्टी विरोधी पोस्ट शेयर करने वालों पर नजर तो रखी रही है, साथ ही उन्हें तथ्यों के आधार पर जवाब भी दे रही है। जहां हम खड़े हैं, ये कोई किसी कंपनी का ऑफिस नहीं है, ना कोई सरकारी दफ्तर है, ये है भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम, जहां पर आईटी सेल से जुड़े जो लोग हैं वो यहां पर काम करते हैं। काम भी क्या है, दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल से जुड़े लोग हैं उनकी एक बैठक ली थी और साफ कहा था कि सोशल मीडिया पर यदि कोई भी सरकार या संगठन के प्रति कोई गलत बात करता है तो उसका तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए। तो ठीक इसी तरह से जो टीम है सहारनपुर सोशल मीडिया की, ये पूरा एक वॉर रूम है, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और कहीं भी सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या कहीं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक आती है, कुछ चीज़ें आती हैं तो उनका ये यहाँ से जवाब देते हैं। तो पूरी टीम यहाँ पर बनी हुई है, एक तरह से वॉर रूम है। दरअसल 2024 का चुनाव नज़दीक है, उससे ठीक पहले ही पूरी टीम को एक्टिव किया गया है और लगातार ये लोग लगभग सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठकर उन पोस्टों को चेक करते हैं कि कहीं ना कोई पोस्ट ऐसी तो नहीं जो पार्टी या संगठन के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट इस तरह की डाली गई हो जो भ्रांतियाँ फैलाती हो या कोई अफवाह भरी पोस्ट हो, तो उन पोस्टों का खासकर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सहारनपुर में आईटी सेल और सोशल मीडिया से जुड़े 103 से ज्यादा कार्यकर्ता दिन रात भ्रामक और तथ्यहीन खबरों पर नजर रख रहे हैं। खबरों और पोस्ट पर तथ्यों के आधार पर जवाब देकर जनता को सच से रूबरू करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया सह संयोजक गौरव गर्ग और आईटी सेल के संयोजक प्रदीप शर्मा का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार और पार्टी के खिलाफ भ्रामक पोस्ट डालते हैं और पार्टी सरकार को बदनाम करते हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया और आईटी की एक बड़ी टीम ऐसे लोगों को तथ्यों के आधार पर जवाब देती है। ये हमारी सोशल मीडिया और आईटी की जो टीम है, सभी लोग बड़े डेडिकेटेड लोग हैं पार्टी की विचारधारा और संगठन के प्रति। मुख्यतः जो आज के समय में हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, तो वो अक्सर आए दिन ये लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उन लोगों के द्वारा भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, तो उनका जवाब देना, तथ्यों के साथ जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी विपक्षी दल हैं जनता में भ्रम और झूठ फैलाना चाहते हैं। हमारे पूरे जनपद में सोशल मीडिया की 103 लोगों की टीम है और साथ में आईटी विभाग की 24 लोगों की टीम काम कर रही है, जो कि दिन रात यही कार्य देख रही है कि किस प्रकार जो विपक्ष है झूठ फैलाता है। जैसे कि बार बार कहते हैं कि ये रोजगार नहीं रोजगार, जबकि योगी जी ने पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में 5 लाख से ऊपर तो सरकारी नौकरी दी हैं और वो ये फैलाते रहते हैं कि रोजगार नहीं है। तो इस प्रकार की भ्रामक जो खबरें हैं, इसी विषय में योगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ कार्यशाला में बताया कि हमें उन्हें तथ्यों के आधार पर जवाब देने हैं। तो देख सकते हैं कि जितने भी भ्रामक खबरें पार्टी को बदनाम करने के या सरकार को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती है, तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर जो पार्टी के जो साइबर योद्धा हैं, जिनको भी गौरव जगर्जी ने साइबर योद्धा बताया, तो वो लोग यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। करीब 103 लोगों की टीम तो आईटी सेल की, उसके अलावा अन्य जो सोशल मीडिया टीम है वो भी अलग अलग काम कर रही है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कटे।